अर्थ प्रकाश टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद आज पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में माथा टेका और हरियाणा के लोगों के उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य की कामना की। चरणों में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य और स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें, प्रदेश विकास की और गति को ऊंचाइयों को छुए, ऐसी मैं माँ के चरणों में कामना करता हूँ। लोकसभा चुनाव की घोषणा पर बात करते हुए उन्होंने इसे लोकतंत्र का पर्व कहा और लोगों से अपील की कि वो इसे हर्षोल्लास से मनाएं। कल ही हमारा जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी घोषणा हुई है और हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश एक विकास की गति के ऊपर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। आज देश एक नया विकास का अध्याय, पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर लिखा गया है। देश का गौरव, देश का सम्मान, हर व्यक्ति का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इन 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं उसका परिणाम देश के 25 करोड़ से ज्यादा लोग योजनाबद्ध तरीके से इस गरीबी से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। उन्होंने कहा कि देश विकास की गति के ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। देश ने पिछले 10 वर्षों में विकास का एक नया अध्याय लिखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिससे लोगों का विश्वास मोदी जी पर और भी दृढ़ हुआ है। जिस प्रकार से हर वर्ग का विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों में बढ़ा है, हम देखते हैं उसी कड़ी के अंदर देश का गौरव भी विश्व पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है। आज गरीब व्यक्ति का विश्वास मोदी की सरकार में बढ़ा है। 4 करोड़ से ज्यादा घर बना करके लगातार लोगों को देने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी कोई दिक्कत आ जाती है वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये विश्वास अगर बढ़ा है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर बढ़ा है। माताओं बहनों को जिनके घर के अंदर आज तक आजादी का हमने 75 वर्ष पूरे किए हैं, अमृतकाल की तरफ बढ़े हैं, 75 वर्षों में भी जिस माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर कनेक्शन पहुंचाने की व्यवस्था की है। बहनों का जो विश्वास बढ़ा है, बहनों का विश्वास नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रति कि 11-11.5 करोड़ से ज्यादा इज्जत घर दे करके उनके विश्वास को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हरियाणा चुनाव पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में हरियाणा ने 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेजी थी। नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत को भयमुक्त किया,
इस भारत को विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया, इस देश के अंदर आतंकवाद के ऊपर सख्त लगाम लगाने का काम किया, इस राष्ट्र को मजबूत विकसित भारत की नींव रखने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और हम मिलकर के विकसित भारत, विकसित हरियाणा को 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार हरियाणा के लोग अहम भूमिका अदा करते हुए इसको मजबूती से। स्पेशल रिपोर्ट, अर्थ प्रकाश टीवी। अर्थ प्रकाश टीवी।